आज की इस क्लास में सभी विद्यार्थी टेंस के अंतर्गत जो आपका टेंस टॉपिक चल रहा है उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मान लीजिए हमने अपना टॉपिक लिखा, यहाँ पर टॉपिक हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका टेंस में हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद दूसरा टॉपिक है। और अगर हम इसकी आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं, आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं, तो हम यही कहते हैं द टेंस विच शोज अबाउट अ वर्क दैट इज इन प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट। इन द प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको पता होना चाहिए वह टेंस जो हमारा यह शो करता है कि कोई कार्य हमारा प्रेजेंट में क्या है, प्रोग्रेस में है, मतलब प्रगति में है, आगे बढ़ रहा है, वो का हमारा कौन सा टेंस कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर हो गया। इसकी अगर हम हिंदी पहचान के रूप में देखते हैं, हिंदी आईडी, हम पाते हैं कि जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं, वो आपका कौन सा टेंस कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में जाते हैं, मतलब सहायक क्रिया, तो जान लीजिए कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो बी फैमिली होती है। बी फैमिली का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट में बी फैमिली के अंतर्गत आपका आता है इज एंड आर। क्लियर हो गया। आर क्या होता है, ए प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता है, मतलब जहां हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहां पर आर प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, और इज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। अब आपको सिंगुलर पता है, जैसे ही सी इट अथवा कोई नेम आपका आता है वो सिंगुलर होता है, आई वी यू, लेकिन आई के साथ यहां पर स्पेसिफिक एम का प्रयोग होता है, बाकी यू वी दे के साथ आर का प्रयोग होता है, या कहीं पर नेम एंड नेम होता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। चलिए मेन वर्ब के रूप में जो हमारी मुख्य क्रिया इसमें आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, मतलब इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। अगर जो हमारा क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। अगर हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, हमारा कुछ इस रूप में आता है, अगर हम अफर्मेटिव में जाते हैं तो क्लियर हो गया। जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगा सकते हैं इसमें इज एम आर, इज एम आर के साथ आप क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पहला फॉर्मेट हो गया अफर्मेटिव का। एग्जाम्पल जैसे लिख दिया गया, मान लीजिए हमने यहीं पर लिखा आई एम टीचिंग, क्या लिखा गया, यू ग्रामर, आई एम टीचिंग यू ग्रामर। क्लियर हो गया। अब इतना आपको इस टेंस में ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कहते हैं कि वह टेंस जो ये शो करता है कि कोई कार्य कुछ समय से प्रोग्रेस में है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर हम आइडेंटिटी के रूप में जाते हैं, हम पाते हैं द टेंस विच शोज अबाउट अ वर्क दैट इज इन प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। हिंदी पहचान के रूप में हम जाते हैं, पाते हैं रहा है, रही है, रहे हैं आदि, जिस क्रिया के अंत में लगा हो वो आपका कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी प्रयोग की जाती है। फॉर्मेट आपका अफर्मेटिव बता दिया गया, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट हम प्रयोग करते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कुछ क्रियाएं हमारी ऐसी होती हैं जहां पर हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म प्रयोग नहीं करते, जिसके अंतर्गत वर्ब ऑफ परसेप्शन आती है, जैसे हो गया सी, टच, हियर, स्मेल। ठीक है, क्या हो गया सी, टच, स्मेल, हियर, टेस्ट। ठीक, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग हम प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करते हैं। आगे ट्रांसलेशन में आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास, सभी विद्यार्थी इसको लर्न करें।